दोस्तों, शादियों का सीजन हम भारतीय लोगों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है, क्योंकि भारत के अंदर शादियों में ऐसी ऐसी रस्में और रीति रिवाज निभाए जाते हैं जिन्हें शादी में आया हर एक मेहमान खुलकर एंजॉय करता है। हालांकि कई बार कुछ अतरंगी लोगों की अजीब हरकतों की वजह से ये शादियां मजाक भी बन जाती हैं। दरअसल इन लोगों द्वारा कई बार शादियों में ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं कि जिन्हें देखकर लोग अपनी हंसी तक नहीं रोक पाते। और आज वर्ल्ड वाइल्ड फैक्ट्रियों की इस वीडियो में भी हम आपको शादियों में होने वाली कुछ ऐसी ही अतरंगी हरकतों की वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर एक लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा पति मिले जो स्वभाव से सीधा और संस्कारी हो, क्योंकि आजकल के जमाने में सिर्फ नसीब वाली लड़कियों को ही ऐसे लड़के मिलते हैं। और इस वीडियो में नजर आ रही इस दुल्हन को बिल्कुल ऐसा ही सीधा और संस्कारी लड़का मिला था। बस गड़बड़ ये हो गई कि ये लड़का जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा ही संस्कारी था। असल में शादी के दौरान इस लड़के ने पहले अपनी दुल्हन को वरमाला पहनाई और उसके बाद एक अच्छे संस्कारी बच्चे की तरह अपनी ही पत्नी के पैर भी छू लिए। इस लड़के की ये अजीब हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के साथ ही ये दुल्हन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दोस्तों, हमारे भारत में ये रिवाज है कि शादी के दिन दूल्हे को नोटों से बना हुआ हार पहनाया जाता है, और कुछ लोग तो शो ऑफ करने के लिए इस रस्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। जैसे आप इस दूल्हे को ही देख लीजिए, जिसने नोटों के हार की पूरी दुकान ही अपने गले में डाल रखी है। इस लड़के ने इतने हार पहने हुए हैं कि ये कार से भी बड़ी मुश्किल से उतर पाता है। पता नहीं लोगों को इस तरह के दिखावे करके क्या हासिल होता है। खैर, आगे बढ़ते हुए अब आप जरा इस वीडियो पर नजर डालिए जिसमें ये दूल्हा अपने ही शादी के लिए न जाने कौन सा नशा करके आया है। इस दूल्हे ने इतना नशा किया हुआ है कि ये वरमाला पहनाने के दौरान ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता और पास में रखे सोफे पर बुरी तरह से जा गिरता है। उसके बाद जब किसी तरह उसको वापस खड़ा किया जाता है तो वो नशे में अपनी दुल्हन की जगह अपनी सासू माँ को वरमाला पहनाने लगता है। यकीन नहीं होता दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। दोस्तों, इंडियन वेडिंग्स में सबसे ज्यादा नमूने और अजीब हरकतें करने वाले लोग डांस फ्लोर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि शादियों में लोग दारू पीकर डांस फ्लोर के ऊपर ही अपनी सारी कसर निकालते हैं और उस दौरान उन लोगों से कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। अब जैसे आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें ये लड़का दारू पीकर नाचते हुए भावनाओं में इतना बह गया कि उसने वहां से गुजर रहे एक पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उसे किस कर डाला। उस लड़के की इस हरकत के जवाब में पुलिस ऑफिसर ने तुरंत उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, लेकिन वो बेशर्म लड़का थप्पड़ खाने के बाद भी उसी तरह मस्ती में नाचता रहा। उस पुलिस ऑफिसर ने भी शायद सोचा कि शादी का माहौल है और लड़का नशे में है, इसलिए वो पुलिस वाला बिना कुछ कहे वहां से चला गया, वरना इस हरकत के लिए उस लड़के को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती थी। दोस्तों, कुछ समय पहले जब देश भर में लॉकडाउन लगा तो बहुत से लोगों को अपने ऑफिस का काम अपने घर से ही करना पड़ा, लेकिन उन सभी लोगों में शायद ये दुनिया की अकेली ऐसी लड़की होगी जिसको अपनी ही शादी के दिन काम करना पड़ा था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर बैठी हुई ये दुल्हन कैसे अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम निपटा रही है। आप लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में शायद ही कोई इतना हार्ड वर्किंग इंसान देखा होगा। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रही इस शादी की लगभग सभी रस्में पूरी हो चुकी थी और अब बस मंगलसूत्र बांधना बाकी रह गया था। इस शादी में शामिल इंडियन पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी दूल्हे को अपने हाथों से मंगलसूत्र देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गलती से वो मंगलसूत्र उस लड़के को देने के बजाय खुद अपने हाथों से दुल्हन को पहनाने लगे। ये देखकर उनकी पत्नी ने जोर से चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब सुब्रमण्यम स्वामी का एक मजाक था। दोस्तों, अब अंत में आप जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें ये लड़का दुल्हन के बेहद करीब बैठा हुआ है और इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये दुल्हन को किस कर रहा हो, जबकि दूल्हा साइड में ही बैठा ये सब अपनी आंखों से देख रहा है। वैसे हमें तो समझ नहीं आया कि इस वीडियो में ये सब क्या हो रहा है। अगर आपको समझ आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड वाइल्ड फैक्टों की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।